ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ, ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਗੋਟ ਇਟ ਰਾਈਟ। ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਇਨ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਕੰਪਨੀ, ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ। ਆਪਕੋ ਕਿਨ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਇੱਕ ਨਏ ਕਾਲਜ ਮੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਇੱਕ ਨਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, एक ब्रांड न्यू स्लेट स्टार्ट करने का, एक नई ट्राइब पिक करने का, टू पिक द सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स जो आपको, जिनकी कंपनी में आप भी कहीं पहुंचेंगे, टू पिक द सॉर्ट ऑफ मेंटर्स जिन जो आपको भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। पर अगर आप फिर वही घिसी पिटी सोच से वैसे ही नए दोस्त ढूंढ लोगे और वैसे ही टॉक्सिक नए मेंटर्स ढूंढ लोगे, तो वही पैटर्न रिपीट करेगा। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ना है तो ये चीज याद रखिए, आपकी थिंकिंग इज द सम टोटल ऑफ द 5 or 6 पीपल दैट यू स्पेंड टाइम विद। टॉक्सिक नेगेटिव पर्सन के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं और अपना ब्रेन खुला रखते हैं, तो वो जहर डालते हैं आपके दिमाग में। अपने घर में तो किसी को आप आने नहीं देते ऐसे। आपने सीसीटीवी कैमराज लगवा रखे हैं, डबल डोर लॉक्स लगवा रखे हैं, कितना कुछ, यू आर सो केयरफुल कि आपके घर में कौन एंटर करता है और आपके दिमाग में कोई भी चला आए, ये तो गलत है यार। और स्पेशली उस एज पर जब आप यंग हैं, इंप्रेशनेबल हैं, आपको दुनिया का कुछ पता नहीं, आप सारे आने वाले कल का जो लेसन है वो एक अपने किसी सीनियर से ले रहे हैं या मेंटर से ले रहे हैं, उसकी उसको आपने रोल मॉडल बना लिया है, आदर्श बना लिया है, उसके जैसा बनना चाहते हैं। व्हाट इफ दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर? व्हाट इफ ही इज रॉन्ग एंड यू स्टार्टेड फॉलोइंग हिम? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक द राइट सॉर्ट ऑफ मेंटर्स व्हेन यू एंटर कॉलेज। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ सेलेक्टिंग जस्ट द सेम पीपल एज बिफोर। इट्स अ ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी। अलग अलग वराइटीज मिलेंगी आपको लोगों की जब आप नए किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जैसे मैं IHM चंडीगढ़ में पहुंचा था। कुछ पिछली क्लास से टॉपर हैं, उनको अपने टॉपर होने की ईगो है, अपने टॉपर होने का वो सुपीरियर समझते हैं, वैसे ही सबको अलग समझेंगे, ठीक है भाई। कुछ अपनी फैमिली और बैकग्राउंड के कारण इतना उनका नाक ऊपर है कि यू नो, मेरा बाप ये करता है, मैं इस फैमिली से आया हूँ, मेरा सरनेम ये है, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, एटसेट्रा, ठीक है भाई। ऑल दीज कैटेगरीज विल एग्जिस्ट, यू नो इट, यू नो, इफ यू आर अ यंग स्टूडेंट हुज वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ बाहर जाने वाले हैं, अभी कैनेडा से स्पॉन्सरशिप आनी है, पर 3 साल इंडिया लगाने हैं अभी। ये कंटिन्यूसली 3 साल आपके दिमाग में फीड करते जाएंगे कि क्यों आपको भी इंडिया नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनको खुद बाहर जाना है। सो ये भी एक कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। एक कैटेगरी और होती है दोस्तों, जिनका उद्देश्य होता है ना हमें जीवन में कुछ करना है, ना भाई तुझे कुछ करने देंगे, हम भी परेशान हैं, ना हम मुस्कुराएंगे, ना तुम्हें हंसने देंगे, ना हम लेक्चर लगाएंगे, ना तुम्हें लगाने देंगे, राइट, ना हम कहीं पहुंचेंगे, ना तुम्हें पहुंचने देंगे, तुम करके तो देखो। सो यू हैव टू बी केयरफुल आप कहाँ हैं। पर एक कैटेगरी और होती है, ये ज्यादातर Tier 2, Tier 3 सिटीज से आते हैं, कुछ गांव से भी आते हैं, राइट, और ये देखने में आपको ज्यादा इंप्रेसिव वैसे उस कैटेगरी के नहीं लगेंगे, बड़े चुपचाप से रहने वाले सीधे साधे लोग होंगे। ये दिलों में उम्मीदें और आंखों में आशाएं लेकर आए हैं, ये कुछ दुनिया को साबित करना चाहते हैं, कुछ अपने माँ बाप को साबित करना चाहते हैं, जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हैं। ये वो वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, जैसे अमिताभ बच्चन जी की कविता है, ये वो वृक्ष नहीं है जिनको नदियों ने सींचा है, इन्होंने तो बंजर जमीन से, मृत्यु से जीवन खींचा है। ये ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं ये बच्चे, तो आपको ये चूज करना है आप अपनी संगत किन से बनाएंगे। डिसएंगेज्ड वाले भी होंगे जो लाइफ से डिसएंगेज्ड हैं, करियर से डिसएंगेज्ड हैं, वो हमेशा यही पूछेंगे यार क्या फायदा है इसका, जीने का क्या फायदा है, कॉलेज का क्या फायदा है, इस कोर्स का क्या फायदा है। सो यू रियली हैव टू बी केयरफुल आप किन की कंपनी में, और स्पेशली आपको उनसे सावधान रहना है जो लोग शिकायत करते हैं पर उसके बारे में चेंज कुछ नहीं करते। ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये रोज रोएंगे धोएंगे, ये परेशानी है, ये नहीं, उनको बोलो भाई कुछ कर लो, तो वहीं पे बस ये भाग जाते हैं। एक ना जोक है, बड़े फेमस हमारे अंकल जी हैं यूट्यूब पर, बड़े पॉपुलर हैं, आप भी उनके जोक्स देखिए, कैनेडा में है पर क्या खूब वो जोक सुनाते हैं पंजाबी में, चुग अंकल। सो चुग अंकल का एक चुटकुला है, कहते एक बार एक आदमी कहता है मैंने शराब पीनी छोड़ देनी है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने जीवन में बहुत नुकसान उठाए हैं शराब से।
तू अपनी बार में जाता है, पहली बोतल थाड़ता है, फेंकता है, कहता तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। चुग अंकल आगे इस जोक में सुनाते हैं, दूसरी बोतल उठाता है, फिर तेरे कारण मेरी हेल्थ खराब हो गई, इसको भी तोड़ दिया। तीसरी बोतल पकड़ी, तेरे कारण मेरी बीवी चली गई, राइट। और चौथी पड़ी हुई थी जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल की बोतल, उसे कहता तू अभी बेकसूर है, तू अभी बेकसूर है, इसलिए तू साइड पे रह, तेरे को मैं नहीं तोड़ूंगा। यानी यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस कैटेगरी। जो लोग शिकायत करते हैं और उसको जिस चीज से शिकायत करते हैं उसको बदलने की हिम्मत नहीं रखते, अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस से परेशान है, बट दे डोंट वॉन्ट टू चेंज इट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली माई फ्रेंड्स, डोंट लेट एनी वन इन योर सर्कल स्टील योर ड्रीम्स। जैसे पाश की कविता, पाश जो पंजाबी के मशहूर कवि रहे हैं, अवतार सिंह संधू जिनका ओरिजिनल नाम था, पाश उनका पेन नेम है, उनकी एक कविता है कि सबसे खतरनाक होता है तुम्हारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है तुम्हारे सपनों का मर जाना। और आपको इस चीज से सावधान रहना है कि आपके ब्रेन में एंटर करके कोई आपको ये ना कन्विंस कर दे कि आप बेकार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, या इकोनॉमी बेकार है, या अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं खुशकिस्मत समझता हूं खुद को, मुझे कॉलेज में ऐसे मेंटर्स मिले काफी नाम है, पर जिनमें से एक नाम बखूबी उभर के सामने आता है, वो है मेरे सीनियर जिनको हम हैंडी सर कहते थे, हरविंदर सिंह बाट का। ये मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह, एक मेंटर की तरह, काफी मुश्किलों से इन्होंने मुझे बचाया है, काफी जगह मुझे गाइडेंस दी है। सो दिस इज व्हाट यू आल्सो नीड टू डू, इज टू फाइंड आउट हु द राइट मेंटर्स विल बी फॉर यू। अब सबसे मेल जोल रखें, मैं ये नहीं कहता, अब सबसे मेल जोल रखें। और यही चीज मैंने हैंडी सर से भी सीखी, हरविंदर सिंह से भी यही सीखा। ही वॉज फ्रेंड्स विद एवरीबडी, ही वॉज सच अ पीपल पर्सन। और होटल इंडस्ट्री में तो वही पर्सन कामयाब है जो पीपल पर्सन है। ही वॉज सच अ पीपल पर्सन, बट वो किसी की नेगेटिविटी का अपने ऊपर असर नहीं होने देता था। वो इतना मस्त बंदा था, ऐसा जिंदा दिल बंदा था, और यही मैंने उससे सीखा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल टू सी हु यू आर अलाउइंग एक्सेस इन टू योर माइंड। फाइंड योर मेंटर्स, दे कुड बी फेलो स्टूडेंट्स, दे कुड बी योर सीनियर्स, दे कुड बी अ टीचर और कॉलेज प्रोफेसर। और आजकल में युग में बिकॉज यू हैव सोशल मीडिया, दे कुड बी एन ऑनलाइन पर्सनैलिटी। बट एट द सेम टाइम लर्न टू से नो टू द रॉन्ग पीपल, लर्न टू से नो टू देयर रॉन्ग डिमांड्स, राइट। पंजाबी की कहावत है कि आटे दे नाल घुण पिस जांदा, विच मीन्स कई बार जस्ट बिकॉज आप गलत संगत में हैं, रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस विद द रॉन्ग पर्सन, यू विल पे अ हैवी प्राइस। आई पर्सनली नो पीपल हु पेड अ हैवी प्राइस जस्ट बिकॉज दे वर विद द रॉन्ग पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि आप नफरत नहीं कर रहे हैं अपने बाकी के इन लोगों से, यू आर नॉट हेटिंग देम, बट आप सिर्फ दिल में ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि स्पेंडिंग टाइम विद देम इज गोइंग टू डिले योर गोल्स। आपके जीवन के लक्ष्य में आप पीछे रह जाएंगे इफ यू स्पेंड टू मच टाइम विद देम। दोस्तों, मैंने गलतियां की हैं, मैंने टाइम खराब किया है, और मैं क्योंकि मैं कई बार फर्मली नो नहीं कह सका, उस क्राउड से हट नहीं सका, बट मेरा यही उद्देश्य है माय फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप अपना टाइम ना खराब करें, आप अपना जीवन ना खराब करें। ये जीवन एक गिफ्ट है, इस अच्छे से यूज करें। पंजाबी के गायक शेरीमान जी की दो लाइनों से मैं ये वीडियो खत्म करता हूं कि कालज वाली जीटी रोड तो किन्ने राह निकले, कालज वाली जीटी रोड तो किन्ने राह निकले, हो कुछ नू मिल गई नौकरी कुछ हो के तबाह निकले, कालज वाली जीटी रोड तो किन्ने राह निकले। तो आपका कौन सा रास्ता निकलेगा, कहां जाएगा, ये आपके ऊपर निर्भर है। फाइंड द राइट मेंटर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।